गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो बस फटाफट से यहाँ से 6:30 में निकल जाऊँगी, क्योंकि टाइम लगेगा मुझे यहाँ से पहुँचने में भी। 7 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, तो मम्मी से भी मिलाती हूँ। बाय कर दो, बाय, खुश रहो। हेलो गाइस, बहुत ही बड़ा धमाके के बाद आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ। ये देखो मम्मी आई है। हेलो कर दो मम्मी। मम्मी, क्या तमाशा हुआ है हमारे साथ। हमारी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। 9 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, मैंने सोचा था सरप्राइज़ दूंगी। हम सब टाइम पे थे, लेकिन मुझे ढूंढने के चक्कर में, हम लोग एक दूसरे को ढूंढने के चक्कर में बहुत लेट, आधा घंटा लेट पहुँचे थे। पर हमें, मतलब मैं घर जाके बताऊँगी, फिर दूसरी फ़्लाइट करवाई है और अब हमारी फ़्लाइट 11 बजे की है गाइस। तो मम्मी को लेके जा रही हूँ, ये सरप्राइज़ था। मैंने बोला था कल सरप्राइज है, कहीं बताऊँगी। तो मम्मी और मम्मी भी जा रही है हमारे साथ, तो बाकी बात अब घर में बताऊँगी। ये गाइस, तो आज है ना एक सरप्राइज़ है। मम्मी वॉशरूम गई है अभी और मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी वहाँ से आ रही हैं और क्या सरप्राइज़ है वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। तो हमारा टाइम हो गया, बस 10:30 बज गए हैं, 11 बजे की फ़्लाइट है, तो जा रहे हैं डिपार्चर। हो गया, मैं लाइन में लगी थी, आगे पहुंच गई, फिर पीछे आई। आ जाओ। तो हम बैठ गए हैं और बस निकल रहे हैं। मम्मी डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मैं उपलब्ध जल पान का चयन करने के लिए, पता नहीं चला ना कितना टाइम लग गया हमें। हम दूसरी बार बैठे हैं, मेरे को गिरी डर तो नहीं लग रहा। हम 8:30 से यहीं पे और अभी 10:30 जल पान का चयन, वीडियो नहीं बनी ब्लॉग में आऊंगी। मम्मी को ना नए वाले चैनल का पता ही नहीं है, अभी घर जाके करूंगी। अब तो लड़कियाँ खुश हो जाएंगी। और आज तो सरप्राइज है, मम्मी आई है, तो एक चीज की और सरप्राइज है, बाद में बताऊंगी। तो आ गए हैं हम लोग दोनों, माँ बेटी। मम्मी कैसा रहा सफर? 2 घंटे का सफर। मम्मी तो जब चढ़ रहा था तब सो गई और जब उतरने वाला था तब सो गया, पता है। उतरते उतरते सो गए इधर। हाँ, तो बस अब हम अपना सामान वगैरह लेके फिर घर के लिए निकल रहे हैं। मम्मी गई है वॉशरूम और मुझे देखो यहाँ झोले 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 झोले, बहुत सारा सामान है मेरे पास। और अभी मम्मी का बैग आ रहा है वहाँ से, दो वो भी लेना है। और अनूप को फ़ोन करके बोल दिया था केक ला के रखना घर में, मम्मी को नहीं पता है। और पार्थू को भी बोला था थोड़ा सा डेकोरेट करना, दादी के लिए बलून वगैरह लगाना। पता नहीं वो कर पाए होंगे कि नहीं, लेट्स सी क्या इंतज़ाम होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी का बर्थडे 3 मार्च को है और मैं 3 मार्च में पूरा सफ़र में थी ना, तो मैं उनको विश नहीं कर पाई थी। तो मैंने उनको एयरपोर्ट में बोला मम्मी हैप्पी बर्थडे, तो मम्मी बोली मेरा हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा सॉरी मम्मी, मैं आपको विश नहीं कर पाई। तो बोली मेरा जन्मदिन तो आज है। मैंने अरे, मतलब मैं देखा फिर भूल गई। और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने चुपके से उनको मैसेज कर दिया कि मम्मी के लिए केक ले आना। तो चलो देखते हैं घर में क्या तैयारी हो रही है और अब घर जाके ही आपसे मिलेंगे। मम्मी ऐसा नहीं लग रहा मैं बैग बेचने वाली हूँ। क्या? अच्छा, अरे आपने मुझे बोला क्यों नहीं? छुपे से।
भागी मानी। अरे आप नीचे लेने नहीं आए दादी आम को? बहुत अच्छा क्रीम रोल है माता। ये ले। अरे ये क्या है? क्रीम रोल। क्रीम रोल? मम्मी ने इतने सारे क्रीम रोल दिए तो मेरे को मिल भी है। एक दादी हमें मेरे लिए लिपस्टिक लाई है और चूड़ी भी लाई है और सूट भी लाई है। मिक्स करके पहनूंगी मम्मी इसमें ना, कोई चूड़ी मिला लूंगी ना बीच बीच में, अच्छी लगेगी। और मम्मी ये भी लाई है कछुए वाला। मम्मी कछुए को फिर यहाँ रख सकते हैं मंदिर के अलावा भी? मम्मी जानबूझ के अपना सन नहीं बता रही है, लड़कियों की उम्र कोई नहीं पूछता क्यों मम्मी? ऐसे भाई हम लोग आए थके, चाय पी सो गए, हम तो खाना वाना खा के अनुप ने दाल चावल बनाए थे। और मम्मी बताएंगी, मम्मी कैसा लगा आपको अनुप का दाल चावल? बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा बना रखा था उसने, है ना? तो खाना बना रहे मम्मी को तो इतना हालत खराब था, सुबह 2:30 बजे से उठी हुई थी और मैगी खाया था आपने बस एक, है ना? और हालत खराब हो गई इतनी ज़्यादा हमारी, 2 घंटे वहाँ वेट करना पड़ा, मतलब 5 घंटे का डिले हुआ हमारे सर, फिर भी हम आ गए। और ये देखो मम्मी मेरे लिए लिपस्टिक लेके आई हैं और चूड़ी भी लेके आई थी मम्मी, लेकिन मेरे हाथ से ढीला हो गया। और 2 सूट भी लेके आई हैं मेरे लिए, पार्थू के लिए भी कपड़े लेके आई हैं, पार्थू के लिए खाने का बहुत सारा सामान, आमा ने भी पूछा आमा के लिए। लाओ मुझे दिखाओ, 1964 है मम्मी का। तो हम बैठे और मम्मी पता आते ही क्या बोलती, सब्जी की मंडी लगी आज, आपको याद है सब्जी मंडी लगी होगी? बोलती थी वहाँ पे सीमा लोग, तो मैंने कहा सब्जी मंडी लगती है, तो मैं मुझे नहीं पता आज तक, क्योंकि मैं कभी लेने नहीं गई ना, ला के पहले रख देते तो कह रही है मम्मी सब्जी, मैंने कहा जाओ नीचे लगती है सब्जी, तो मैंने बोला जाओ मम्मी को लेके अब सब्जी लेने जाओ, डी मार्ट जाओ और पार्थू के दादी पिचकारी लेने चलो, मैंने बोला जाओ मैं खाना वाना बनाती हूँ, जाएंगे ये लोग अब तीनों जो मर्जी घूमेंगे, मैं जरा घर समेट के। तो ही गाइस, मम्मी अनूप और पार्थू तीनों ही मार्केट चले गए हैं और 6:30 बज गए, मैं अभी फटाफट से खाना बनाने जा रही हूँ, मंदिर भी थोड़ा सा साफ करके पूजा करूँगी क्योंकि कल से मम्मी पूजा करेंगे, तो मंदिर थोड़ा साफ कर देती हूँ। और क्या बताती, हाँ लिपस्टिक देखो मम्मी मेरे लिए लेके आई थी, मैंने सिर्फ नीचे एक कोट लगाया और ऐसा किया वो ऊपर, तब से ऐसा हो गया है, तो वैसे मैं लाल लिपस्टिक नहीं लगाती पर मम्मी इतने प्यार से लाई है तो मैंने लगा लिया। तो बस आज का सीन ऐसा है कि अनूप को मैंने बोला था केक ला के रखना, पर आप अनूप जा नहीं पाए क्योंकि पार्थो केला था ना घर में, तो बोले कि मेरे को खाना भी बनाना था सीमा मैंने, लेकिन केक मैं शाम को लेके आऊँगा, तो वो अभी गए हैं कि मैं केक भी लेके आऊँगा, तो मम्मी का बर्थडे। और अनूप और पार्थो दोनों ही मम्मी को विश नहीं कर रहे थे कि हम शाम को केक लाएंगे तो उनको सरप्राइज देंगे, लेकिन मेरे मुँह से निकल गया कि आज दादी का जन्मदिन है, तो आज मम्मी का बर्थडे है ना, तो फिर अनूप केक लेके आएंगे, वो केक वगैरह काटेंगे, तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। तो लेकिन इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं शाम तक अभी ज़्यादा शूट कर पाऊँगी, अभी आज बहुत थकान हो रही है क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं लगातार ट्रैवल कर रही हूँ इतने दिन से। तो बस अभी खाना बनाती हूँ, पनीर की सब्जी रोटी, और मम्मी को सब्जी लेने का बहुत शौक है तो मम्मी गई है सब्जी ले, मैंने मुझे छोले चावल सब्जी लेके आओ खूब सारा झोला भर के लिए, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, अभी जाना मत, देखते हुए जाना मम्मी का बर्थडे। इस ब्लॉग को अब मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक करना ही करना, बाय गाइज। हमने खाना खा लिया है, मैंने पनीर कुछ तो बनाया था मलाई वलाई डाल के, बहुत अच्छा लगा मम्मी को, सब ने खाना खा लिया, अब जाके अनूप केक लेके आए हैं। अनूप सब्जी लाने के बाद मम्मी और अनूप ने बहुत सारी सब्जी लेके आई, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये दोनों झोले भर के सब्जी, और अनूप हमारे पीछे से घड़ा भी लेके आए, तो अब मम्मी का केक काटेंगे। सौरभ जोशी ब्लॉग देख रहे पापा, मम्मी चलो हैप्पी बर्थडे केक काटेंगे, चल पार्टी बंद कर टीवी। मैंने आप बोला ना आपको मत लाओ, मम्मी बोल रही ना और ले आएंगे, मैंने नहीं लाना ये, इस तरह से जंगली पना करेगा, कुछ नहीं लाना इसके लिए, हाँ आते ही तोड़ी है। बोले माचिस लेके आओ ना, माचिस लेके आओ ना, ये बना भी तो दे। अब बंद कर दे, बोल रही हूँ वीडियो के बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को, सौरभ जोशी ब्लॉग की टिकट हुआ है तो
बर्थडे मिल, मम्मी का इस बार का बर्थडे गिफ्ट मुंबई हवाई जहाज में है मम्मी, मुंबई में हवाई जहाज में मुंबई, और वो भी डबल टिकट लगवा के डबल टिकट लगवा के दिया। चलो ना जलाओ ना बाबू। अच्छा आप घर में फोन कर रहे हो क्या, माचिस से जलाओ ना लाओ। हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, अनुज केक लेके डबल पैसा लग गया डबल पैसा क्या है तू गोदाम में दादी को केक खिला, दादी लाओ दादी को खिला, ए मम्मी को खिलाओ ना बड़ो केक, मम्मी का बर्थडे है अपने आप खाए जा रहे बैठ के, अच्छा सा पीस खिलाओ दादी को, ये तो खिला दो मम्मी को केक, मम्मी आपका बर्थडे हम खाए जा रहे हैं, थोड़ा बुढ़ा नहीं था अब काट के दे दो